नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ऑनलाइन टीवी देख रहे हैं आपके साथ, मैं हूं पंकज रौतेला। देश में काम करने वाली स्वतंत्र संस्थाओं पर सवाल उठना सियासत का एक रिवाज सब बन गया है। सियासत दस सवाल कर देते हैं, सीबीआई को लेकर या फिर किसी भी जांच एजेंसी को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। इस कड़ी में अब राहुल गांधी का नाम भी जोड़ दीजिए, क्योंकि डीएसपी देवेंद्र सिंह मामले में राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर हैं और डीएसपी देवेंद्र केस एनआईए को देने पर भड़के हुए हैं। यहां गुजरात से भी इस पूरे मामले को उन्होंने जोड़ दिया। लेकिन क्यों स्वायत्त संस्थाओं पर अक्सर सवाल उठते हैं, निशाने पर रहती हैं स्वायत्त संस्थाएं, जांच एजेंसियां, इसको समझने की जरूरत है। फेस टू फेस में आज दो खास मेहमान आमने सामने होने वाले हैं। बीजेपी से अनिरुद्ध सिंह होंगे तो कांग्रेस से मनोज तिवारी होंगे। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। देवेंद्र सिंह मामले में राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर, ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना, डीएसपी देवेंद्र केस एनआईए को देने पर भड़के राहुल गांधी, राहुल ने गुजरात दंगे से जोड़ा कनेक्शन, देवेंद्र सिंह को चुप कराना चाहती है सरकार, आतंकियों की मदद करने के आरोप में जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किए गए देवेंद्र सिंह को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर इस मामले पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा, देवेंद्र सिंह को चुप करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि उसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दें। एनआईए की अगुवाई भी एक और मोदी ही कर रहा है, वाईके मोदी, जिसने गुजरात दंगे और हरेन पांड्या मामले की जांच की थी। वाईके की अगुवाई में यह केस उसी तरह है मानो पूरी तरह से दब गया है। तो इधर बीजेपी ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाया। शाहनवाज हुसैन ने कहा, कांग्रेस का काम ही संस्थाओं पर सवाल उठाना है। कांग्रेस पार्टी की आदत है कि वो हर संस्थान पर सवाल उठाती है। सीबीआई पे सवाल उठाया, एनआईए पे सवाल उठाया, कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया। कोई ऐसा संस्थान है जिस पर सवाल कांग्रेस ने नहीं उठाया? क्या हो गया है कांग्रेस को? किस तरह की भाषा बोल रही है कांग्रेस, इसका जवाब देश की जनता देगी। खास करके राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर, कोई आतंकी हमला हो जाए उसके मुद्दे पर, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी विवाद बनाती है। आपको बता दें कि बीते दिनों जम्मू कश्मीर के कुलगाम से डीएसपी देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ दो आतंकी भी गिरफ्तार किए गए थे जो कि नई दिल्ली में बड़े धमाके करने की साजिश रच रहे थे। देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा पर कई तरीके से सवाल खड़े हुए। बाद में एक्शन लेते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। गौर करने वाली बात यह कि देवेंद्र सिंह को जम्मू कश्मीर से दिल्ली लाने की तैयारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले की जुड़ी जाँच एनआईए को सौंपी है। इसी के बाद विपक्ष इस मसले पर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। एनआईए की जांच पर सियासी आज क्यों? आज इसी पर फेस टू फेस होने वाला है। कांग्रेस से मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करने जा रहे हैं। एनआईए जांच कर रही है, दिक्कत कहां हो रही है? देखिए पंकज जी, होनहार बिरवान के हो चिकने पात। दरअसल क्या है कि जब से ये मामला चला है, इस मामले को लेकर जिस तरीके से संजीदगी सरकार ने दिखाई है, उसके पृष्ठभूमि में जाइए। ये मामला संसद हमले का था और संसद पे हमला के बाद जब इस चीज की जानकारी उसमें बनाए गए अभियुक्त के द्वारा इंडिकेट की गई, तब भी जांच क्यों नहीं हुई? और सवाल ये है, आज उसके बाद से बहुत सारे ऐसे मामले हुए, कई ऐसी घटनाएं हुई। संसद हमले के बाद आप अभी एक रिसेंट का मामला आया था पुलवामा। पुलवामा में सवाल यह था कि सरकार की यह फेल्योरिटी थी, किस तरीके से हमारे कई सौ सैनिक मारे गए, 50 ऊपर सैनिक शहीद हो गए, और उन सैनिकों के पास ये आरडीएक्स की गाड़ी पहुंची कैसे,
जब सुरक्षा दस्ता तमाम अवरोधों के बावजूद, तमाम खुफिया एजेंसी के बावजूद भी अगर आरडीएक्स की गाड़ी इस तरीके से आर्मी कन्वाई में पहुंच जाती है तो निश्चित रूप से हमारी चूक थी। और इस चूक के पीछे जब ये संज्ञान में आया कि इस तरीके के लोग शामिल हैं और उनकी तरफ इशारा करने के बाद भी 6 वर्षों से कार्यरत ये सरकार एक भी इस चीज की ये इस जानकारी सरकार को नहीं हो पाई और ये तमाम तरीकों की घटनाएं लगातार बात को साबित करता है कि सरकार फेल्योर है। और सरकार जनता को छुपाने के लिए देवेंद्र सिंह को, देखिए राहुल गांधी जी ने क्या बोला है कि सवाल देवेंद्र सिंह का नहीं है, देवेंद्र सिंह के पीछे ऐसे कितने लोग हैं जिनकी वजह से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और आज देश की राष्ट्रीयता को खतरा है, देश को खतरा है। अनुरुद्ध जी, जी देखिए है क्या कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या बोलते हैं, वो तो संविधान को मानने वाले लोग हैं नहीं, एफिडेविट को वो क्या कहते हैं, जो भी अध्यादेश था फाड़ने वाले लोग हैं। और रह गए उन्हीं के टाइम पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट किया था सीबीआई पिंजड़े का तोता है। और बात आती है ये कि क्या बात कर रहे हैं, ये केवल डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि संजय राउत जी जो इनके पार्टनर हैं उन्होंने क्या बोला कि आदरणीय प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी करीम लाला से मिलती थी, दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान कमिश्नर और सेक्रेटरी अपॉइंट करता था और पूरा सेक्रेटरी उनके पैरों में जाता था। ये तो वही हाल हो गया कि कांग्रेस है डॉन के पैरों में और देश जाए गड्ढे में। तो इन लोगों का तो वहां से जवाब इनके पास, अरे राहुल गांधी जी को इतना बड़ा आरोप लगा आदरणीय इंदिरा गांधी जी के ऊपर, तो कम से कम आदरणीय राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए। और रहेगी बात ये आतंकवादी, आतंकवाद का बात जो कर रहे हैं ये केवल हिंदू और मुस्लिम आतंकवाद, भाई देवेंद्र सिंह जो पकड़ा गया तो गद्दार ही है, उसने गद्दारी कैसे, बहुत से लोग जयचंद हैं इस देश में, ऐसा नहीं जयचंदों की कमी नहीं है, बहुत से लोग रहे हैं, लेकिन हम लोग एक एक को जितने भी जयचंद इसमें हैं उनको पकड़ रहे हैं, उनको फिल्ट्रेट कर रहे हैं। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी और उनके एलओपी के लीडर क्या ट्वीट करते हैं, अगर देवेंद्र सिंह नहीं देवेंद्र खान होता, ऐसा होता वैसा होता, उसको कहीं ना कहीं बायस करने के उसमें लगे रहते हैं। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं, वहां जाके कहते हैं भैया हटाओ भारत को, क्या कहते हैं मोदी को हटाओ, क्योंकि उनको जो पाकिस्तान की भाषा वही पुलवामा अटैक को लेकर पाकिस्तान तो चाहता है कि उसके अलग क्राइसिस और क्रिटिक्स क्रिएट, और वही भाषा आप बोलना चाह रहे हैं। आपको पाकिस्तान ने हमला किया इस पे क्यों नहीं संशय हो रहा है, क्यों आपको शंका नहीं हो रहा है, क्यों आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं जो कि आपकी भाषा को ले जाके वो इवन में हर जगह कोट कर रहा, आप ही का नेता उसको बायलेटरल बोलता है जो कि पाकिस्तान बोलता है, तो पाकिस्तान की भाषा तो आप लोग बोल रहे हैं। और करीम लाला, हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम के बारे में संजय राउत ने बयान दिया, उस पे आप लोग सफाई नहीं दे पा रहे। सुनिए मेरी बात अनुरुद्ध भाई, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश की मर्यादा है संसद, सरकार आपकी और आपके सरकार में संसद पर हमला, अरे हमारी ही सरकार, मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए, आपने कहा मैंने सुना, एयरफोर्स ने, अब लगातार मैं आपको क्रॉनिकली बोलते चला जा रहा हूँ, उस बात का जवाब आप क्रॉनिकली देते चलिए, करना चाहती है एयर स्ट्राइक करना चाहती थी, आपने एयर स्ट्राइक के लिए मना किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर भी आप पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं, तकलीफ ये होती है, संसद पर हमला होता है, गंदा बोल देते हैं, आपने प्रश्न पूछते हैं, आर्मी को पाकिस्तान को चीर देते हैं, हम समझिए आपने आप कुछ नहीं करते, कुछ नहीं बोल पाए, 11 के अंदर अटैक हुआ, एयरफोर्स ने आपको एयर स्ट्राइक करना था लेकिन आप एयर स्ट्राइक करने के लिए मना किया, और उस मर्यादा पर लव लेटर लिख रहे थे, लव लेटर में हमला नहीं चलती है साहब, और आप कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, आपके मणिशंकर अय्यर जाते हैं पाकिस्तान में, मोदी को हटाओ वहां की बात आता है, यहां पे सीधे बैठते हैं, आप कुछ नहीं बोल पाते, आप घुसपैठी जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, एक उग्रवादी जो है वो इशारा करता है, चिट्ठियों में लिखता है अमुक आदमी इसमें शामिल है, आपकी सरकार ने, अरे साहब आपकी सरकार ने तब्तीसी का आधार देखिए, तब्तीस नहीं हो पाया, हिंदू आतंकवाद चिन्हित करने के बावजूद भी उसको आप पकड़ नहीं पाए, आप हिंदू आतंकवाद क्रिएट करना चाहते हैं, आपने 2011 का जो आतंकवाद निरोधी 13 वर्षों में क्या था, आप पूरे हिंदू आतंकवादी बनाना चाह रहे थे, आपकी सरकार है और आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए नहीं होता है, आप कह रहे हैं कि बहस को डिरेल कर रहे हैं, बहस हमारा दूसरे मुद्दे पर हो रहा है, आप चाह रहे हैं दूसरी भाषा क्यों बार बार, अरे इस मुद्दे पर आइए ना, इस मुद्दे पर बात करिए, आप उसको इंक्वायरी क्या बोला, देवेंद्र सिंह को चिन्हित कर दिया गया था, पुलवामा अटैक में पाकिस्तान का हाथ नहीं है, उस वक्त आप बोले मनोज जी क्यों नहीं चिन्हित किया, मनोज जी बस आप दूसरी बात दीजिए, पुलवामा अटैक में पाकिस्तान का हाथ है या नहीं है, आपकी असफलता है पुलवामा अटैक में पाकिस्तान
हमारे सैनिक शहीद क्यों हुए? सवाल तो ये है, अरे आपकी सरकार कहाँ थी, आपकी खुफिया एजेंसी कहाँ थी? हमारे सैनिक शहीद हुए और उस सैनिकों की शहादत पर आप स्ट्राइक होता है तो नहीं, हमारे सैनिक मारे गए, पुलवामा अटैक में पाकिस्तान का हाथ था या नहीं था? सैनिक मारे जाते हैं और उसके बावजूद भी आप अपनी पाकिस्तान का हाथ क्यों नहीं कहते हैं? मैंने बोला अनुज भाई, कांग्रेस का आतंकवादियों के साथ, हमारे भारतीय सैनिक मारे गए डॉन के साथ, उसके बावजूद करीम लाला हाजी मस्तान दाऊद इब्राहिम और उस पे आप खुद कह रहे हैं बोल पा रहे हैं मुख्य व्यक्ति उसमें शामिल है। आप बताइए आपकी सरकार जो अपॉइंट करता था पुलिस कमिश्नर की नहीं करता था, चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट करता था हाजी मस्तान नहीं करता था, आप ये बताइए कि करीम लाला से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिलती थी इंदिरा गांधी जी? मैं दिखा सकता हूँ आपको, आप ये गलत बयानबाजी बंद करिए। करीम लाला के साथ, अरे आप बता दीजिए, अरे मैंने नहीं कहा पुलवामा में हमारे सैनिकों को मरवाने में पाकिस्तान का आप नहीं मान रहे, पुलवामा में आज तक क्यों नहीं पकड़ा आपने? आप बता दीजिए पुलवामा में बोला तो कहा था देवेंद्र सिंह को पकड़ा गया है, देवेंद्र सिंह को पहले छह वर्ष पहले बोला गया आपने क्यों नहीं पकड़ा? इसके पीछे क्या मंशा है हिंदू जनवादी की बात करते हैं, ये करीम लाला हाजी मस्तान दाऊद इब्राहिम के बारे में नहीं बात करते हैं, दंगा हुआ पुलवामा अटैक की बात नहीं करते हैं, गुजरात में दंगा हुआ पुलवामा में गुजरात के बाद हरी पांड्या मारे गए, पुलवामा में पाकिस्तान का मौत का जिम्मेवार कौन था? आप बताइए पुलवामा पाकिस्तान का था? आप तो मरवाते हैं सैनिकों की शहादत, वहाँ पे और शहादत पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आतंकवादी मारने आ रहे थे, बोला तो उसके बारे में आपने आप तो उसका कोई जवाब हो तो दीजिए, आप जवाब सारा बता दीजिए। पुलवामा में पुलवामा पाकिस्तान का हाथ था, पुलवामा अटैक में पाकिस्तान का हाथ था या नहीं था? पाकिस्तानी आकाओं का हाथ था? अरे आप तो पुलवामा पोस्टर बॉय बने घूम रहे थे राहुल गांधी जी, आप बता दीजिए ना, आपके पास आंसर क्यों? आप ये सब बताइए संसद पर, आप बता दीजिए पुलवामा में पाकिस्तान का हाथ था? देश में घुस के कंटिन्यूस रिपीट करूंगा जब तक आंसर नहीं मिलेगा टिल द डिबेट टाइम। आप बता दीजिए पाकिस्तान का हाथ पुलवामा अटैक में था या नहीं था? आप बता दीजिए दाऊद इब्राहिम कमिश्नर अपॉइंट करता था नहीं करता था? आप बता दीजिए हाजी मस्तान सेक्रेटरी अपॉइंट करता था नहीं करता था? आप बता दीजिए करीम लाला इंदिरा गांधी जी मिलती थी? गजब की बात करते हैं, डॉन के साथ रहते हैं आप और देश से पूछते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके पास प्रश्न नहीं है, आपके पास उत्तर नहीं है, आपके पास केवल एक कपोल कल्पित कल्पना है। अनुरोध भाई, अरे मनोज जी आप बता दिए पाकिस्तान का हाथ पालते हैं उग्रवादियों को, पाला आपने डॉन को पाला, मैं तो यही बोलूंगा, मैं नहीं कह रहा हूँ ये संजय राउत कह रहे हैं, आपके पार्टनर है साहब, आपकी कैसी सरकार है, आपके पार्टनर है संसद वो बोल रहे हैं कि डॉन के साथ आपके रिश्ते मजबूत, कांग्रेस का हाथ डॉन के साथ, मैंने बोला तो यही इनका स्लोगन है, कांग्रेस का हाथ डॉन के साथ, मैंने बोला तो भाजपा का हाथ उग्रवादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ डॉन के साथ, सुनिए आप ये बताइए पुलवामा के साथ, पुलवामा पाकिस्तान तो आपकी असफलता है, मणिशंकर अय्यर राहुल गांधी जी इमरान खान को पोस्ट करते हैं इवन के अंदर यूनाइटेड, पुलवामा आपकी असफलता है, पुलवामा में हमारे सैनिक मारे गए, पाकिस्तान ने अटैक किया कि नहीं किया? कहां थी आपकी सरकार? आप बताइए पाकिस्तान, अरे हमारे सैनिक क्यों मारे गए? 26/11 में आप कुछ कर रहे हैं? हमारे सैनिक क्यों मारे गए? एयर स्ट्राइक करना हमारे सैनिकों की शहादत क्यों हुई? आपने सैनिकों का मजाक उड़ाया देश में और हमने खुली छूट दी, आप बताइए ये सैनिक का सम्मान करते हैं? सैनिक को गुंडा बोलते हैं, सैनिक को गली का गुंडा बोलते हैं, सैनिक को रेपिस्ट बोलते हैं, आर्मी कैसे ये इंडियन आर्मी को गुंडा बोलेंगे, इंडियन आर्मी को रेपिस्ट बोलेंगे, वो आरोपी ये नहीं देंगे, ये बात करते सैनिक? आप बोलोगे पुलवामा अटैक में पाकिस्तान का हाथ था? पाकिस्तान, सुनिए पाकिस्तान का हाथ था? अरे पाकिस्तान के पोस्टर बॉय है, उग्रवादियों को छोड़ने आप जाते हैं? अरे उग्रवादी कंधार कौन छोड़ने गया था? आप बता दीजिए पाकिस्तान, अरे कंधार कौन छोड़ने गया था? जी कौन लगाता था? मुझे पहले बता दीजिए, बता तो रहा हूँ, आप बता दीजिए पुलवामा में पाकिस्तान का गृह मंत्री डरते हैं हवाई जहाज से कंधार उग्रवादियों को छोड़ने पाकिस्तान जाते, कहते मोदी को हटाओ भैया तो कुछ कर पाएंगे, उसका जवाब जवाब है करीम लाला दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान का जवाब है? सुनिए इनका हाथ डॉन के साथ, इनका हाथ आतंकियों के साथ, उग्रवादियों के साथ। गृह मंत्री किसका था? अरे आपके गृह मंत्री के बेटी का छोड़ा गया नहीं कौन था? आप बता दीजिए आपके टाइम पर गृह मंत्री कौन था? आप बता दीजिए गृह मंत्री आपके टाइम पर कौन था? संसद पर हमला करवाते हैं, महबूबा मुफ्ती की छोटी बहन के पचास लोगों की मौत हो गई, गृह मंत्री मंत्री कौन था? आप क्या बात कर रहे हैं? इन तमाम अटैक होता है, आप हिंदू और वर्सेस सिर्फ हिंदू आतंकवाद क्रिएट करते हैं कि हिंदू आतंकवादी बन गए और बोला तो आतंक आपके हिंदू आतंकवादी नहीं होता।
आपके पास जवाब नहीं, आप पहले मान रहे हैं कि पुलवामा में पाकिस्तान का हाथ है, आप ये नहीं मानते हैं, आप ये नहीं मानते हैं कि हाजी मस्तान दाऊद इब्राहिम करीम वाला के सवाल का जवाब दे दीजिए ना। कांग्रेस का हाथ डॉन के साथ पर हमला कैसे हुआ? अरे सेना की बात पर हमला कैसे हुआ? की बात मत करिए, आप तो 70 साल में सेना को हमला कैसे हुआ? आपने सेना उग्रवादियों को कंधार छोड़ने क्यों गए थे? अरे आपने सेना को बेचा है, आप बता दीजिए पुलवामा में पाकिस्तान का हाथ था या नहीं? कंटिन्यूस पर हमला कैसे हुआ? पाकिस्तान आप ये बताइए पाकिस्तान का हाथ था या नहीं था? ये कुछ नहीं बताएंगे, ये घूम घूम से घूम घूम केवल इमरान खान के स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के लोग बिल्लू देश को 10 बार नाम लेते हैं पाकिस्तान का, हमने चीर दिया था। कुछ नहीं चीरा आपने, क्या चीर दिया? चीर दिया था, दो फाड़ में क्यों नहीं बोलते पाकिस्तान का हाथ? क्यों नहीं आप क्यों नहीं आज कहते पाकिस्तान का? बोला तो पुलवामा में पाकिस्तान का हाथ था। अनुरुद्ध भाई को जवाब है, पाकिस्तान का हाथ पुलवामा में था या नहीं था? कांग्रेस ये बताए पर कब्जा क्यों? पाकिस्तान का हाथ पुलवामा में था नहीं था? मैंने बोला तो पूछे, जवाब दीजिए। सर्जिकल जवाब तो दे दीजिए। देश के आर्मी को गुंडा क्यों बोलते हैं? इंडियन आर्मी को रेपिस्ट क्यों बोलते हैं? चार प्रश्न नहीं दे पाते, जवाब आपके पास नहीं है। क्यों हुआ उग्रवादियों को कंधार छोड़ने के साथ? कांग्रेस का हाथ उग्रवादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ पहुंचा। आप ये बता दीजिए कि पुलवामा में पाकिस्तान का हाथ था या नहीं? अरे ये बोलिए ना, बताइए ना, आप क्यों डरते हैं? आप क्यों डरते हैं? पुलवामा में आपका हाथ था? आपका कुछ नहीं करेगा भाई, सैनिकों की शहादत हो गई, हमारे सैनिक मारे गए, इतना मत डरिए इमरान खान से, बोल तो रहा हूं, शहीद आपका कुछ नहीं कर पाए, इतना मत डरिए, सैनिक मारे गए। अरे सैनिकों के सम्मान, सैनिक को गुंडा आप बोलते हैं, सैनिक को दलाल आप बोलते हैं, सैनिक को रेपिस्ट आप बोलते हैं, क्या बात करते हैं बताइए? ये टुकड़े टुकड़े गैंग के जो फाउंडर फिगर है ना, अरे टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग के जो फाउंडर फिगर है ना, ये जाते हैं इसमें साथ भी ले लीजिए, आपकी सरकार में है गैंग, दो लोग उसमें बोल तो रहा है। अरे डॉन आपके साथ, हरीश पांड्या का क्या हुआ? अरे डॉन आपके साथ, गुजरात दंगे में यही भाई मोदी था ना जी, करीम लाला, दाऊद इब्राहिम, यही भाई मोदी था ना, राजीव गांधी से मिलते थे लेकिन फिर भी नहीं, इसको इसको ढकना चाहते हैं, आपका हो गया है, लोगों को मरवा के जवाब चाहते हैं। अनुज जी, एक सवाल का जवाब मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं, और हर डिबेट में जब जब स्वायत्त संस्थाओं पर इस तरह के आरोप लगते हैं उस दौरान पूछा जाता है यह सवाल। यह सिर्फ संस्थाओं पर सवाल उठाना, संस्थाओं की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करना, कटघरे में लाना, या फिर विरोध जताना, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि दो पहलू बन जाते हैं, दो हिस्से हो जाते हैं, दो लॉबियां हो जाती हैं। अगर कोई अपराधी भी है, हमने देखा है आतंकियों के समर्थन में भी यहां सियासी पार्टियों के लोग आ खड़े होते हैं। यह क्या है, यह क्या है? क्या वाकई में ऐसी स्वायत्त संस्थाओं में ऐसा होता है? किसी का सरनेम अगर रौतेला है तो वो प्रभावित हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभावित होगा। जो कल्प्रिट होगा दोषी कभी नहीं बचता है और ना बच पाएगा। खासकर 5-6 सालों में कई ऐसे इन्वेस्टिगेशन हुई जो NIA और CBI ने इन्वेस्टिगेशन किया, अंडर द कोर्ट इन्वेस्टिगेशन किया कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में किया, लेकिन कभी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उसको कभी टिप्पणी नहीं की कि आप पिंजड़े के तोता हैं या नहीं है। एक प्रोफेशनल और टेक्निकल वे से इन्वेस्टिगेशन होता है और इस इन्वेस्टिगेशन में जो आउटकम आता है उसके आधार पर आगे सजा निर्धारित होती है। और जो इंसान अगर गद्दार है वो गद्दार कहा जाएगा, जो आतंकवादी आतंकवादी कहा जाएगा, उसमें क्या है? किसी के नाम के आगे चाहे खान लगाओ, चाहे सिंह लगाओ, चाहे रौतेला लगाओ, चाहे तिवारी लगाओ, कुछ भी है। जो कल्प्रिट होगा, जो दोषी होगा, बिल्कुल सजा पाएगा, इसका मतलब ये नहीं होता है। और बिल्कुल आप देखिए, लास्ट 6 ईयर से कम ढेर सारे इन्वेस्टिगेशन ऐसे हुए हैं जो अंडर द सुप्रीम कोर्ट, अंडर द हाई कोर्ट, कोर्ट मॉनिटरिंग हुई है, लेकिन कोर्ट ने कभी इस पे एक सिंगल क्वेश्चन तक नहीं रेज किया कि ये इन्वेस्टिगेशन या पिजड़े के तोते के रूप में इस तरीके से, कोई उसमें नहीं कहा। लेकिन अगर उसके पहले के देखा जाए 2004 से लेकर 2013 के बीच में जो भी इन्वेस्टिगेशन, जो भी बार बार कोर्ट को तल्ख टिप्पणी करनी पड़ती थी कि जो इंस्टीट्यूशन हैं सारे ये पिजड़े के तोते के तरीके से बन चुके हैं कि सरकार वहां पर उनको स्वायत्त या नहीं देना चाहती थी, लेकिन आज के टाइम पर कि गवर्नमेंट ने कहीं भी किसी भी चीज को इस तरह, जो भी उनकी संवैधानिक मर्यादा है उनको ध्यान में रखा है, ना उनको कभी छेड़ा। तिवारी जी, आपको क्यों लगता है ऐसा कि अगर ये NIA के पास केस गया तो ये दब जाएगा? राहुल गांधी जो ट्वीट करके लिखते हैं, थोड़ा तनिक भी भरोसा नहीं रहा क्या जांच एजेंसियों पर? देखिए पंकज जी, मैंने पहले भी बोला था कि जो प्रक्रिया है और जिस प्रक्रिया के तहत अभी तक के जो परिणाम आए हैं जी, उसका सबसे पहला मैं उदाहरण आपको देता हूं कि गुजरात दंगा हुआ, हरीन पांड्या, उनकी मौत हुई, उनको मारा गया। इन सब लोगों के जांचकर्ता बस एक ही व्यक्ति थे और वो जांचकर्ता के जो अभी हेड थे वाई मोदी, जिनके संदर्भ में राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है। हमारा सवाल ये है कि अगर आप इन लोगों को अब तक पकड़ पाते तो देवेंद्र सिंह जैसे लोग उस वक्त से क्यों बचे हुए हैं?
पहली बात। दूसरी बात यह है, सवाल देवेंद्र सिंह का मैं बार बार कह रहा हूं नहीं है, देवेंद्र सिंह की तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको जब चिट्ठी में आया था, सरकार इनकी थी और उस सरकार के समय ही यह स्पष्ट दिया था, उसने इशारा किया था कि इस पुलिस महकमा में देवेंद्र सिंह जैसा एक व्यक्ति है जिन्होंने हमारी मदद की है, उसके बाद भी तफ्तीश क्यों नहीं की गई। और अब इन सारी चीजों पर पर्दा डालने के लिए, चूंकि यह बहुत बड़ी असफलता है, मैं इस बात पुलवामा को इसलिए जोड़ना चाहता हूं कि पुलवामा के समय भी यह मामला आया। आप एक चीज बताइए कि हमारा आर्मी कन्वाई जाता है और आर्मी कन्वाई के पास में दो आरडीएक्स की गाड़ियां पहुंच जाती हैं और कोई सूचना नहीं होती है, और इस तरीके के पुलिस कर्मी अगर वहां मौजूद है तो आप समझिए कि देश के अंदर कितना बड़ा खतरा है। और उसके जांच, देखिए सवाल जांच के ऊपर है, मैं वही बोल रहा हूं कि आज जो जिनके संदर्भ में एनआईए को जांच दी गई है, मैंने कहा, हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अंतर्गत और आर्मी के किसी सेवानिवृत्त अधिकारी के अंदर इसकी जांच करवाइए। आप उस व्यक्ति के अंदर यह जांच करवाना चाहते हैं जिसका दागदार चेहरा रहा है और आज तक उसकी कोई ऐसी जांच जो है उस पर हम अंतिम परिणाम पर नहीं पहुंच पाए, तो हम कैसे मिस्टर मोदी के ऊपर बार बार क्वेश्चन करते हैं, प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं, ऐसा नहीं उनके ऊपर कोई दाग लिया, ठीक है वो हरिन पांड्या गोधरा कांड में नहीं डेथ हुई थी, वो अलग बात है, क्या कर बेसिक क्या है कि हरिन पांड्या गोधरा कांड मनोज जी पांड्या की हत्या अलग का मामला था, इन दोनों मामलों की जांच कर रहे थे। मनोज जी जब आप बोले तिवारी जी आपका भी चर्चा में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर दोनों का। तो आजाद संस्थाओं पर सवालिया निशान कोई पहली मर्तबा नहीं उठ रहा है, सीबीआई को पिंजरे का तोता और तमाम जांच एजेंसियों पर जब भी जांच होती रही है सवाल उठते रहे हैं, इस देश के सियासतदान ही सवाल उठाते रहे हैं, एक समर्थन करता है तो कोई विरोध करता है, कोई इस पर सवाल उठाता है और ऐसा ही इस बार भी हो रहा है। फेस टू फेस में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए आर9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।